कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ लेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने आप में एक धार्मिक आंदोलन लेकर के आया था भारतीय समाज में। वैदिक कर्मकांडों और कुरीतियों, साथ ही क्लिष्ट विचारधाराओं, मान्यताओं, इन सब को नकारते हुए, इन सब का विरोध करते हुए एक नए और सहज और सुलभ धर्म की प्रस्तुति की गई थी, जिससे कि आम जन समुदाय जो था व्यापक रूप से इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उस समय अपने आप को कॉमन पीपल बहुत ही त्रस्त महसूस कर रहे थे। उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक संजीवनी बूटी की तरह इन लोगों के सामने में प्रस्तुत हुई और इन्होंने जनता को एक सीधा, सरल और बहुत ही आसान सा मार्ग दिया और लोगों को यह समझ में आया कि धर्म अपने आप में एक गौरव का विषय है, एक विचारों की पराकाष्ठा है, एक दर्शन का विषय है, ना कि डरने या आतंकित होने वाली कोई चीज़ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आज इस धार्मिक आंदोलन के संबंध में। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुआ था, और वैशाली में कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब इस जगह का नाम वर्तमान में है बासुकुंड। ठीक है, बासुकुंड। तो उनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में और वर्तमान में इस कुंड ग्राम का नाम है बासुकुंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बौद्ध एवं जैन साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? बौद्ध एवं जैन साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठ का अर्थ होता है बंधन से रहित, अर्थात बिना बंधनों के, जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो उसे निगंठ कहा जाता है। निग्रंथ भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो बौद्ध एवं जैन साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। आगे है, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जैन धर्म में सबसे पहले विभेद जामाली ने ही उत्पन्न किया था, जो कि महावीर स्वामी का स्वयं अपना दामाद था। तो इन्होंने ही किसी कारणवश किसी बात पर मतभेद उत्पन्न किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? संस्कृत में लिखा गया जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। आगे है, जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? जैन मतावलंबियों ने प्राकृत भाषा को अपनाया था, जो कि आम जन की भाषा थी, आम लोग बोला करते थे प्राकृत। तो इसी आम बोलचाल की भाषा में जैन मतावलंबियों ने अपने धार्मिक उपदेश दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? मथुरा एवं उज्जैन में प्रधानतः जैन धर्म की प्रधानता थी। तो मथुरा एवं उज्जैन जो थे जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। आगे है, किस जैन धर्म में महावीर के कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है? तो आचारांग सूत्र में महावीर के कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है। अर्थात काया क्लेश का यहाँ पे अर्थ होता है जब महावीर स्वामी ने अपने शरीर का अंत किया था, अर्थात जब वे निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़े थे तो अपनी जो शरीर का उन्होंने परित्याग किया था, उसी का वर्णन किया गया है आचारांग सूत्र में, और इस घटना को काया क्लेश कहा गया है। ठीक है, काया क्लेश है ना। आगे है, और यह काया क्लेश जो किया जाता था बहुत ही कठोर तपश्चर्या, अर्थात भूखे रह करके, मतलब कि हर चीज से, हर मूवमेंट से अलग हो करके, बिल्कुल ही भूखे रह करके अपना जो भी उनके इष्ट देव होते थे उनके और अपना ध्यान लगा करके बिना कुछ खाए पिए अपना प्राण दे देना, यही था जैन धर्म में काया क्लेश। नेक्स्ट है, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? जैन धर्म की द्वितीय संगीति के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण। नेक्स्ट है,
किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया? जैन धर्म के 12 महत्वपूर्ण अंग हैं जिसका प्रणयन प्रथम जैन संगीति में किया गया था। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्त गोशाल नामक एक व्यक्ति ने की थी और इनके द्वारा स्थापित किया गया संप्रदाय कहलाया था आजीवक। नेक्स्ट है, दिगंबर संप्रदाय में ऐसा कौन सा एक उप संप्रदाय हुआ जो मूर्ति पूजा का विरोधी था? दिगंबर संप्रदाय में तारण पंथ एक संप्रदाय हुआ था जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता था। देखिए, संप्रदायों में भी फिर एक उप संप्रदाय होते थे, ठीक है। धर्म था जैन धर्म, और यह जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। और इन संप्रदायों में भी कई तरह के उप संप्रदाय भी हो गए थे, तो इन्हीं में से एक उप संप्रदाय था तारण पंथ, जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानता था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था। और यह संप्रदाय किस संप्रदाय यह उप संप्रदाय किस संप्रदाय में था? तो यह था दिगंबर संप्रदाय में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनों से रहित, ठीक है, बंधन रहित जिसे कहते हैं, तो बंधन रहित को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह था, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित धर्म था जिन कल्प, ठीक है। महावीर स्वामी से पहले के ये जैन तीर्थंकर थे और इन्होंने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह था जिन कल्प। नेक्स्ट है, जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? जैन प्रकीर्ण 10 प्रकार के बताए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा जैन प्रकीर्णों की संख्या 10 है। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? तो महावीर स्वामी का सबसे पहले जो उनका अनुयायी या उनका शिष्य कह सकते हैं वह बना था, उनका स्वयं उनका अपना ही दामाद जामाली थे, तो उन्होंने ही सर्वप्रथम उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? जैन धर्म जो है मुख्यतः व्यापारी वर्गों तक ही सीमित रहा और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। आगे है, महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया? तो 12 अंगों में संकलित किया गया था संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा, और यही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाते हैं श्रवण बेलगोला और वहां उनका कायाक्लेश करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से है? जैन धर्म के 12 अंगों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। 12 प्रकार के अंग बताए गए हैं जैन धर्म में, और इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 अंग हैं आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र, ठीक है। आगे है, निर्युक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक थे। तो निर्युक्ति नामक जैन ग्रंथ भद्रबाहु ने लिखी थी, आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। आगे है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? 5 प्रकार के ज्ञान का। आगे है, जैन धर्मों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? जैन धर्म को अंतिम रूप से द्वितीय जैन संगीति में लिपिबद्ध किया गया था। आगे है, ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, और वे 2 तीर्थंकर हैं ऋषभ एवं अरिष्टनेमि, ठीक है। अर्थात जैन धर्म जो है यह
वैदिक काल से भी प्राचीन है, तभी तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट है, दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु को दिया जाता है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य प्रश्न। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू। ये थे आज के प्रश्न। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, ठीक है? थैंक यू।